शहर में कोरोना का खतरा बढ़ने से प्रशासन को 7 दिनों का लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आज खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार बड़ी की सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का प्रशासन के आदेश पर अमल करते नजर आए। नागपुर शहर में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। प्रशासन द्वारा शहर में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आज बर्डी चौक में खुद पुलिस आयुक्त सड़क पर उतरकर लॉकडाउन आदेश पर अमल करते नजर आए। लॉकडाउन आदेश पर अच्छे से पालन हो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखा। पुलिस के अलग अलग विभाग शहर में कामकाज कर रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने दी है। शहर नाकाबंदी शुरू करने आणि सगळे शॉप्स एस्टॅब्लिशमेंट तर बंद आहे। रस्त्यावर काही प्रमाण लोकांचे फिरण्याचे आहे। आमच्याकडून चेकिंगचे कारवाई सुरू आहे। आत्ता ते पुढच्या काळात आणखी जोरात चेकिंग सुरू होऊन पूर्ण शहरात कर्फ्यूसारखी स्थिती इन्फोर्स करण्यात येईल। ज्यांना सूट आहे त्याचे व्यतिरिक्त कृपया करून कोणी रस्त्यावर बाहेर पडू नका, त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकतो। हमारी पुलिस की संख्या काफ़ी है और हम जो संख्या है और जो बंदोबस्त लगाया गया है उसमें हम पूरी तरीके से लॉकडाउन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट। ट्रैवल जे आहे ते अलाउड आहे। विना कारण जे लोग शहरात घुसण्याची प्रयत्न करत आहे त्यांना परमिशन नाही। मोटरसाइकिल्स पे एक से ज़्यादा लोग दिखेंगे उनको मोटरसाइकिल्स डिटेन किया जाएगा। उसी तरह फोर व्हीलर्स पे जहाँ 2 से ज़्यादा लोग दिखेंगे वो गाड़ियाँ डिटेन की जाएंगी। बिना कारण जो लोग रास्ते पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध गुना दाखिल किया जाएगा। जहाँ तक एसोसिएशंस की बात है, इस प्रकार के एसोसिएशन से हमारे अधिकारियों की चर्चा शुरू है। उनका अगर विरोध है तो वो मेमोरेंडम दें संबंधित अधिकारी को, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर वो विरोध करके रास्ते पर उतरेंगे तो उनको अटक किया जाएगा। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से जब पत्रकारों ने बात किया और उनसे ये पूछा गया कि लॉकडाउन के चलते लोगों को क्या हिदायत देने वाले हो या लोगों का जिस प्रकार से अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है शहर में, तो उन्होंने यही कहा कि बिला वजह कोई भी घर से बाहर न निकले, अपने कामकाज को लेकर ही बाहर निकले। और जहां तक के नागपुर शहर के बाहर में जो आने जाने की बात है उन्हें परमिशन दिया गया है, लेकिन सावधानी बरतते हुए ये कामकाज करना है, ऐसे भी उन्होंने कहा। तो वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इस लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे पार्टी के नेता है जिन्होंने विरोध दर्शाया था, तो उन्होंने ये कहा विरोध दर्शाना कोई गलत नहीं, लेकिन यदि वे लोग सड़क पे उतर पे आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे तमाम पहलुओं पे अमितेश कुमार इन्होंने बातचीत की है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है, पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है और पुलिस कम संख्या होने के बावजूद भी अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रही है। बर्डी के इस गांधी चौक से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।